नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन एंड सेंटर फोर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, वो है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इन सेंटर फोर्स। देखो, कोई पार्टिकल अगर सेंटर फोर्स की वजह से अगर वो मूव करता है अगर, तो उसका जो पाथ होगा यानी कि वो जो ट्रैजेक्टरी बनाएगा, सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूं, शीट्स है मेरे पास, कोई पार्टिकल जैसा है आपका ये अर्थ है, तो अर्थ तो एग्जैक्टली उसका पाथ कवर करती है, जो अपन सिंपली मानते हैं कि वो एक दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल होता है। तो वो जो पाथ कवर करता है उसकी इक्वेशन क्या होगी, सिंपल वो इक्वेशन अपन यहाँ पे ड्राइव करेंगे। देखो, सिंपल पहली इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है कि कोई पार्टिकल जब अपनी ट्रैजेक्टरी बनाता है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है उसको एग्जैक्टली इस इक्वेशन द्वारा रिलेट किया जाता है। इसका डेरिवेशन ऑब्जेक्टली हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, बहुत ही स्मॉल चेंज किया है, ये एग्जैक्टली ऐसे लिखा मैंने, m को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, ये डबल डिफरेंशियल है, मैंने इसको जस्ट सिंगल डिफरेंशियल में कन्वर्ट किया, ये इसको आउट किया, ये इसका डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। अगेन आप करोगे तो डबल डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। माइनस m एंटर हुआ, r सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, जस्ट कॉपी किया, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को, देखिए ये जो इक्वेशन फोर्स की इक्वेशन है कि पार्टिकल के ऊपर बल लग रहा है केंद्र से, ठीक है, ये समय पर निर्भर कर रही है, ठीक है। लेकिन हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सेंटर के ट्रैजेक्टरी बनाता है वो एग्जैक्टली मेनली दो कंपोनेंट पर निर्भर करता है, एक तो जैसे आर उसका डिस्टेंस होता है, ठीक है, और दूसरा उसका एंगल होता है जो वो ट्रैजेक्टरी से बना, मतलब दो पर डिपेंड करता है, इस पर एक तो उसके रेडियल फैक्टर पर और उसके एंगल के ऊपर। लेकिन हमारे ये इक्वेशन में टाइम का एक फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब हमारा पहला टास्क क्या होगा कि we require time independent equation of force। इसके लिए एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक कांस्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम है, बहुत बार अपने ड्राइव किया है, ये सिंपल इक्वेशन है। वेलोसिटी को रोटेशन में क्या लिखते हैं, आर इन ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा क्या होता है एंगुलर आपकी जो वेलोसिटी होती है, इसको जैसे अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिखते हैं इस प्रकार, ठीक है। उसको मैं जस्ट यहाँ पुट किया, मेरे को ये इक्वेशन मिला, कई बार अपन ने इसको यूज किया है, एम आर स्क्वायर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इस इक्वेशन में मैंने डेल्टा टी को साइड में लिया है ना, आपके लेफ्ट साइड में, और रिमेनिंग टर्म जी आपका इसके डिवाइड में आ गया, ठीक है, और ये एग्जैक्टली मेरे को नया इक्वेशन मिला, ठीक है। इस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं वहां पर पुट करूंगा, तो देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट इक्वेशन मेरी क्या होगी, वो होगी कि एफ आर एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, एम आपका वैसा का वैसा ही है, डी आपका वैसा ही, डेल्टा टी किसके मैंने ये वाला वैल्यूएशन पुट किया है, ठीक है, एम आर स्क्वायर अपॉन जे अपॉन डेल्टा क्यू, और एग्जैक्ट देखो नेक्स्ट डेल्टा आर कोष्ठक में है, सिमिलर डेल्टा टी की जगह मैंने अगेन ये वैल्यू पुट किया, वैल्यू मैंने यहाँ पर माइनस एम आर है, डेल्टा क्यू सिमिलर है, और ये अगेन डेल्टा टी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ कि ये टी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो कोई अलग चेंज नहीं होगा, ये इक्वेशन वैसा ही है, जी को मैंने ऊपर ले लिया, एम एम से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो जे ऊपर आर उसका नीचे बच, डी अपॉन डेल्टा क्यू यहाँ पर रहा, डेल्टा जे ऊपर चला गया, जे अपॉन एम आर स्क्वायर और डेल्टा क्यू अपॉन, सो डेल्टा अपॉन डेल्टा क्यू हो गया, माइनस ये वाला जो इक्वेशन है ये एम और आर, ठीक है, यहाँ देखो एग्जैक्टली ये डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएगा, हेटर बचेगा, यहाँ क्या होगा जे का स्क्वायर होगा मतलब वो ऊपर आ जाएगा, जे का स्क्वायर ऊपर आ गया, यहाँ क्या होगा एम का स्क्वायर, वो एक एम ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नीचे एम बचेगा, और यहाँ होगा आर का पावर फोर, आर से कैंसिल हो जाएगा, आर का पावर थ्री बचेगा, आप जस्ट इसको सॉल्व करके देखना, सेम एग्जैक्ट रिजल्ट आपको यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, क्यों लिखना चेंज है कि ये जो कोष्ठक के अंदर जो डिफरेंशियल के अंदर है, जे और एम आपका कॉन्स्टेंट है, जे आपका एंगुलर मोमेंटम है जो कॉन्स्टेंट होता है, इन दोनों को मैंने बाहर लिया है, ठीक है, तो बाहर लेते क्या होगा जे स्क्वायर हो जाएगा, और एम बाहर लेते एम आर स्क्वायर हो जाएगा, डी अपॉन डेल्टा क्यू और वन अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा क्यू, ये रिमेन रह जाएगा, जस्ट कॉपी किया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, ये वाला जो इक्वेशन है आपका, देखो वन अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, देखो मैंने इस प्रकार सॉल्व किया, यहाँ देखो एग्जैक्टली अगर मैं इस पद का वन अपॉन आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा क्यू, इस सिमिलर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार वन अपॉन एक्स का करते हैं, क्या आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स का विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट। लेकिन मेरे को देखो ये पद यहाँ पे चाहिए, दोनों सिमिलर पद है एग्जैक्ट है, लेकिन ये पद माइनस में वो पद प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ ये माइनस में यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ और इसकी जगह में ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन देखो एग्जैक्ट सब कुछ सिमिलर है, ये जो माइनस सिंबल है वो एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया और इस पद की जगह एग्जैक्ट मैंने ये वाला पद रख दिया, ठीक है, तो
ये वाला पोर्शन बाहर रहा और ये अंदर एग्जिट पोर्शन ये वाला किया, ठीक है, और ये एग्जिट जस्ट कॉपी किया है ना, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया मैंने। नेक्स्ट सेक्शन क्या किया, इधर माइनस है, इधर माइनस है, उसको मैंने लेफ्ट साइड में सेंड कर दिया, तो इज माइनस एफ आर, ठीक है, और आपका जी एम आर स्क्वायर यहाँ भी है और जी स्क्वायर एम आर स्क्वायर यहाँ भी पॉसिबल है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। देखो कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, ये जी स्क्वायर एम आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ये जो पद है ये इसके अंदर चला जाएगा, मतलब डिफरेंशियल का अगेन एक डिफरेंशियल हो जाएगा, तो क्या होगा, डबल डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पर केवल वन अपॉन आर आपका रिमेन बच जाएगा। ये जो इक्वेशन है असल में ये फोर्स की आर मतलब रेडियल फैक्टर इक्वेशन है जो केवल आर और थीटा पर निर्भर करती है। आप देख सकते हो इक्वेशन को, एग्जैक्टली यही इक्वेशन आपका क्या होता है, पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल का इक्वेशन होता है, लेकिन इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। मैंने देखो वन इस इक्वेशन देखो कि यहाँ भी देखो वन अपॉन आर आ रहा है या वन अपॉन आर आ रहा है या वन अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया वन अपॉन आर को यू मान लिया, ठीक है, और या फिर आप आर को वन अपॉन यू मान सकते हो, जो भी आप, ठीक है, इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने पुट किया, वन अपॉन आर को यू पुट कर दिया, तो यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा वन अपॉन यू हो जाएगा, मतलब देखो माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू, यहाँ देखो वन अपॉन आर स्क्वायर था तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखो एग्जिट के अंदर ये डबल डिफरेंशियल है, ठीक है, वो एग्जिट वैसा वैसा रहेगा, वन अपॉन आर के जगह क्या हो जाएगा आपका यू का डिफरेंशियल हो जाएगा प्लस आपका वन अपॉन यू हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली जो इक्वेशन है ना वो हमेशा सेंटर फोर्स में पार्टिकल के मोमेंट की इक्वेशन होती है, जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है, असल में इक्वेशन तो ये भी होती है लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन में यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है इक्वेशन, ये तो मैथमेटिकल समीकरण पर निकाला है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखो एग्जैक्टली इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जैक्टली हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ मूविंग बॉडी अंडर इनवर्स सेंटर फोर्स, देखो जो आपके केंद्रीय बल होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, मैं कहना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका, और जैसे आपका प्रत्यानयन बल जो होता है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है आपका, सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं सेंटर फोर्स के, ठीक है, हम उसमें एक एग्जाम्पल चूज करेंगे, वो है ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल चूज करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है कि हमारी धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर एक की फोर्स की वजह से घूमती है, जिसको अपन ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, उसको एग्जैक्टली अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आर इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। मैंने टॉपिक क्या रखा है, मैंने टॉपिक रखा है इनवर्स सेंट्रल फोर्स, मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब है वन अपन आर स्क्वायर के लिए इनवर्स बोल रखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन की ये वाली होती है कि एफ आर जो है वो एफ आर उसका मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर आर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो एफ आर है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको एग्जैक्टली इन्होंने एफ आर सिंपल एक फॉर्मूले से लिखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले से करेक्शन किया, ये जो पोर्शन आता है कैपिटल जी एम वन एम टू इसे मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, के एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट है जो एग्जैक्टली इसके बराबर है, इसको एग्जैक्टली मैं मेरी जो इक्वेशन है ये वाली इस इक्वेशन में एग्जैक्टली उसको अप्लाई करूंगा। लेकिन इस इक्वेशन में अप्लाई करने के लिए मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि मेरा जो आर है, ठीक है, वो एग्जैक्टली यू में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले को मैं यू में कन्वर्ट करता हूँ, तो एग्जैक्टली क्या होगा आपका एफ वन अपॉन यू आपका इक्वल टू माइनस के और आपका यू स्क्वायर, ये एग्जैक्टली मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, किसमें, इस इक्वेशन में अप्लाई करने के लिए। अब देखो इस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर जस्ट शो किया, ये वाला इक्वेशन, ये जो कॉन्स्टेंट फैक्टर है इसको मैंने एग्जैक्टली इसके डिवाइड में भेज दिया, देखो एग्जैक्टली क्या होगा कि ये पोर्शन जब डिवाइड में जाएगा तो देखो क्या होगा, एम ऊपर आएगा, यानी कि देखो एग्जैक्टली ये आपका एम ऊपर आ गया, ठीक है, और आपका जे स्क्वायर यू स्क्वायर बटन है डिवाइड में रहेगा, ये आपका एग्जैक्ट हो गया, और जो एफ जो है उसका वैल्यूएशन जो वन अपॉन यू में वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे निकाल लिया, माइनस के यू स्क्वायर मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है, और माइनस सिंबल एग्जैक्टली यहाँ मेंटेन रहेगा, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, इस वाले इक्वेशन बराबर होगा, ठीक है, सिंपल इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब देखो एग्जैक्टली मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है, मैंने कुछ नहीं किया है, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के एम अपॉन जी स्क्वायर इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसको एग्जैक्टली इस तरफ सेंड कर लिया, ठीक है, मैंने जब सेंड किया मेरा इक्वेशन ये बना, कोई चेंजमेंट नहीं है, ये इक्वेशन जो कॉपी किया हुआ है वो इक्वेशन जला के माइनस किया गया है। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में कुछ एजम्पशन करूंगा,
सिंपल मैं मानता हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैंने माना कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यू माइनस के अपॉन जे स्क्वायर, ये एग्जैक्टली किसी साई के बराबर है, मैंने मान लिया, ठीक है, किसी साई के बराबर है। और एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इस इक्वेशन जो मैंने माना है, ठीक है, इस इक्वेशन का दो बार डिफरेंशिएशन किया। जब मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा थीटा हो जाएगा और ये पूरा कॉन्स्टेंट है इसलिए जीरो हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो एग्जैक्टली मुझे ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है वो साई के बराबर है, मतलब ये वाला पोर्शन साई के बराबर होगा, और ये जो दोनों है वो एग्जैक्टली क्या है, बराबर है। मतलब साई का डबल डिफरेंशियल कर लो या यू का डबल डिफरेंशियल कर लो, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों बराबर होंगे। इन दोनों वैल्यूज को मैंने एग्जैक्टली यहां पर पुट कर दिया है, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया और इसकी जगह मैंने साई पुट कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन को नोट करो, ये इक्वेशन देखो एग्जैक्टली एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन में जो हम सॉल्यूशन से लिखते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखते हैं, पर हम हमारी कन्वीनियंसी को देख करके हमने ये सॉल्यूशन चूज किया, ठीक है। वो क्या होगा एग्जैक्टली psi इक्वल टू psi जीरो, यहाँ पे psi जो है वो इसका सॉल्यूशन है, psi जीरो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने मेंशन किया psi जीरो कांस्टेंट है, और cos थीटा माइनस थीटा जीरो भी एग्जैक्टली क्या आपका कांस्टेंट है। ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ज़ूम किया, ठीक है। इस सॉल्यूशन को एग्जैक्टली अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो मेरे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, सिंपल अपन यूज करते हैं। मैंने क्या किया, इसको ऑलरेडी वेरीफाई करके रखा है कि ये जीरो होगा, ठीक है, पर मैंने क्या किया इस सॉल्यूशन को ही यूज किया है। साई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यू माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर के बराबर है। मैंने साई की जगह देखो यहाँ पर, ठीक है, मैंने साई की वैल्यू को यहाँ रखा, यू माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर रखा, ये किसके बराबर है, साई जीरो कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो के बराबर है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया के एम अपॉन जे स्क्वायर को राइट साइड भेज दिया, मतलब यू जो है वो एग्जैक्टली इस प्रकार आ गया, कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि यहाँ से के एम अपॉन जे स्क्वायर जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको मैंने कॉमन ले लिया, के एम अपॉन जे स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली कॉमन आएगा तो वन आ जाएगा, प्लस इसके पास कोई टर्म नहीं है तो इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है, जे स्क्वायर अपॉन के एम साई जीरो कोस थीटा माइनस थीटा जीरो, ये एग्जैक्टली मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और अब देखो इस इक्वेशन में मैंने कुछ कॉन्स्टेंट्स माने मेरे सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, मैंने क्या बोला है कि जे स्क्वायर अपॉन के एम, जे स्क्वायर अपॉन के एम, यहाँ भी जे अपॉन के एम आ रहा है, इसको मैंने एग्जैक्टली पी कोई कॉन्स्टेंट मान लिया, पी भी एक नियत मान लिया, ठीक है, और j स्क्वायर साई अपॉन के एम इसको मैंने एक नियतांक मान लिया, मतलब इसको भी मैंने एक नियतांक मान लिया और इसको भी मैंने एक नियतांक मान लिया, ठीक है। अगर मैं इसको अगर देखूं वहां अगर तो जस्ट ये उल्टा है, अगर k अपॉन j स्क्वायर वहां निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, 1 अपॉन p आ जाएगा। तो मैंने क्या किया इसकी वैल्यू 1 अपॉन p रखी, ठीक है, यहां देखो एग्जैक्टली 1 का 1 है प्लस ये पोर्शन जो एग्जैक्टली मेरा एप्सिलॉन के बराबर है, ठीक है, और cos थीटा माइनस थीटा जो एग्जैक्टली मैंने ले लिया, ये एग्जैक्टली मेरा सॉल्यूशन है। और u को एग्जैक्टली मैंने वापस कन्वर्ट किया वही 1 / r के अंदर, ठीक है, तो ये 1 / r आ गया। इसको आप अगर थोड़ा सॉल्व करो, r की वैल्यू को निकालो चाहो अगर आप, p यहां जाएगा इसके बटा में हो जाएगा और ये एग्जैक्टली हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन को थोड़ा गौर करके देखो कि इस सॉल्यूशन में एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि p भी कांस्टेंट है आपका, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है आपका, लेकिन वहां पर थीटा माइनस थीटा जीरो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ देखो हम ज़ूम करते हैं कि एक पार्टिकल किसी भी सेंटर के चारों घूम रही है, अर्थ आपके सामने चारों घूम रही है, तो एग्जैक्टली इस तरह अगर इस पॉइंट से स्टार्ट होती है तो वापस इसी पॉइंट पर आएगी तो कितना एंगल कवर करेगी, तो यहाँ से यहाँ जाएगी तो 90 कवर करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो 180 कवर करेगी, यहाँ पे 270 करेगी, वापस यहाँ पे 360 करेगी, मतलब क्या हुआ कि वो कितना एंगल कवर कर सकती है एक बार में, वो 2π के बराबर, ठीक है, 360 कितना होगा 2π डिग्री होता है, थीटा की जो वैल्यू है ना वो कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 2π हो सकती है, एक राउंड पूरा, ठीक है, इतना वैल्यू इसका हो सकता है, लेकिन आपका थीटा 0 की वैल्यू हमें नहीं पता, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि फॉर सिंपल वे वी यूज रोटेशनल रेफरेंस फ्रेम एंड रोटेट इट देन थीटा 0 = 0। हम क्या करते हैं रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो उस वैल्यू को हल्का सा नोट करना कि अगर थीटा इक्वल टू थीटा जीरो हो जाता है तो क्या होगा, कोस जीरो हो जाएगा और वैल्यू क्या जाएगी, वन आ जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी आर इक्वल टू पी अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक बार आप अज्यूम करो कि थीटा इक्वल टू पाई
प्लस थीटा जीरो जूम करो वहां पे, तो आप मोशन क्या करोगे यहाँ पर क्या होगा माइनस पाई आएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू एग्जिट कोस में क्या होती है माइनस वन होती है, ठीक है। जीरो पर वन होती है, पाई पे क्या होती है माइनस वन होती है आपकी, वो अगर आप नोट करोगे तो क्या होगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, वो क्या होगी उसकी एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस प्रकार रोटेट करते हैं हम एग्जैक्टली कि हमारा जो थीटा जीरो है इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए, ठीक है। ये केवल रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही पॉसिबल है। अगर अपन ऐसा करते हैं अगर तो हमारे इक्वेशन में क्या होगा ये जीरो हो जाएगा और हमारी इक्वेशन इस पर कन्वर्ट हो जाएगी आर बराबर पी अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ देखिए एग्जैक्टली जो आपका ये एप्सिलॉन जो है ये एग्जैक्टली इस कॉन्स्टेंट के बराबर है, ठीक है। और ये जो है वो असल में होता क्या है वो असेंट्रिसिटी होता है, मतलब उत्केंद्रता होता है, यानी कि यही डिसाइड करता है कि हमारा जो पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो पाथ कैसा होगा। तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही, आने वाले लेक्चर में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रेजेक्टरी जो पाथ है वो किस प्रकार का, वो वृत्त होगा या दीर्घवृत्त होगा या सर्कल होगा इक्लिप्स होगा या पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।